हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर वेल। सो फ्रेंड्स, आज मेरा वीडियो है कि बायो वालों के लिए कौन कौन से कोर्स अच्छे रहते हैं और कौन कौन से कोर्स बायो वाले कर सकते हैं। तो आज मैं उन कोर्सेज के बारे में बात करूँगी जो कोर्सेज मोस्टली स्टूडेंट प्रेफर करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद यू। ड्यूरेशन होती है 5 ईयर्स की और इसका एग्ज़ाम नीट के थ्रू होता है। इसका नेशनल लेवल का एग्ज़ाम होता है और इसको करके आप एक अच्छे सर्जन और अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा और बेस्ट कोर्स है डॉक्टर के लिए। एंड सेकेंड पे आता है BDS, इसे बोलते हैं बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। इसकी ड्यूरेशन भी 5 ईयर्स की होती है। इसका एग्ज़ाम भी नीट के थ्रू होता है। इसको करके आप एक अच्छे डेंटिस्ट मीन्स दांतों के डॉक्टर बन सकते हैं। थर्ड नंबर पे आता है BSMS, मीन्स बैचलर ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन एंड सर्जरी। जो होम्योपैथी के डॉक्टर होते हैं वो BHMS कोर्स करते हैं। इसकी भी ड्यूरेशन 5.6 ईयर की। इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम भी होता है एंड मैनी यूनिवर्सिटीज इसका डायरेक्ट एडमिशन भी लेती हैं। फोर्थ नंबर पे आता है BMS, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। जो आयुर्वेदिक के डॉक्टर होते हैं वो BMS कोर्स किए होते हैं। इस कोर्स की ड्यूरेशन है 5.6 ईयर्स। जो वैदिक दवा करते हैं वो डॉक्टर होते हैं, वो BMS किए होते हैं। इसका भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है एंड इसका भी यूनिवर्सिटीज डायरेक्ट एडमिशन मीन्स प्राइवेट जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इसका डायरेक्ट एडमिशन देती हैं। 5 नंबर पर आता है BPharma, इसको करके आप फार्मासिस्ट मीन्स फार्मेसी की मेडिकल भी हो सकते हैं। किसी भी कंपनी में फार्मासिस्ट की पोस्ट पे लग सकते हैं। ये भी एक अच्छा कोर्स है जिसकी ड्यूरेशन 4 ईयर की है। इसका भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, स्टेट लेवल का इसका एग्ज़ाम होता है और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ का डायरेक्ट भी एंट्रेंस एग्ज़ाम मीन्स डायरेक्ट एडमिशन भी लेती है। इसमें PCM एंड PCB दोनों स्ट्रीम के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं और इसको करके आप ड्रग इंस्पेक्टर, जो डिस्ट्रिक्ट का ड्रग इंस्पेक्टर होता है, उस पोस्ट पे भी जा सकते हैं। दिस इज गुड जॉब एंड BPharma इज ए गुड कोर्स। एंड 6 नंबर पे आता है BSc, इसे बोलते हैं बैचलर ऑफ साइंस। इस तरह से आप BSc फिजिक्स में या केमिस्ट्री में या बायोलॉजी बॉटनी, आप BSc बायोटेक्नोलॉजी, मैनी कोर्सेज होते हैं BSc के, आप BSc कर सकते हैं बायो से भी। एंड 7 नंबर पे आता है BSc नर्सिंग, जिसे हम बोलते हैं BSc नर्सिंग। इसको करके आप नर्स, स्टाफ नर्स, मेडिकल नर्स के इंचार्ज बन सकते हैं और इसकी ड्यूरेशन भी होती है 4 ईयर्स की। इसका भी एंट्रेंस एग्ज़ाम भी होता है। सब यूनिवर्सिटीज या इंस्टीट्यूट जो है अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम भी लेते हैं और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जो हैं वो प्राइवेट होती हैं तो वो डायरेक्ट इसमें एडमिशन भी लेती हैं। सो BSc नर्सिंग करके भी अब अच्छी जॉब एक पा सकते हैं। ये भी एक अच्छा कोर्स है BSc नर्सिंग का भी। एंड नेक्स्ट कोर्स इज BPT, मीन्स बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। इसकी ड्यूरेशन भी होती है 5.5 ईयर्स की। इसके लिए भी एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है और यूनिवर्सिटीज इसमें डायरेक्ट एडमिशन भी लेती हैं जो प्राइवेट होती हैं। आप इसको करके आप कहीं भी अच्छा सा हॉस्पिटल मीन्स उसमें कराते हैं एक्सरसाइज, वो कर सकते हैं। ये भी एक अच्छा ही कोर्स है। 9 नंबर पे आता है BOT, इसे हम बोलते हैं बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी। इसकी ड्यूरेशन भी होती है 4.5 ईयर्स की। ये भी एक अच्छा कोर्स है। जो लोग थेरेपी करते हैं वो BOT करते हैं, BOT करके ही मतलब ये वाला कोर्स करते हैं। 10 नंबर पर आता है BUMS, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी। जो लोग यूनानी पद्धति पर दवा करते हैं, आपने सुना होगा ना यूनानी दवा, यूनानी मेडिसिन वगैरह, सो वो BUMS कोर्स होता है। इसकी ड्यूरेशन भी 5.5 ईयर्स की है और इसके लिए भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। एंड नेक्स्ट कोर्स इज BMLT, बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी एंड टेक्नोलॉजी। इसकी ड्यूरेशन 3 ईयर्स की है। इसको करके आप BMLT मीन्स लेबोरेटरी पैथोलॉजी वगैरह का आप कोर्स कर सकते, मतलब पैथोलॉजी वगैरह सीखते हैं इसमें और अपनी बात में पैथोलॉजी भी खोल सकते हैं। दिस इज ए बैचलर कोर्स एंड गुड कोर्स एंड काफ़ी अच्छा रहेगा। BMLT कोर्स काफ़ी हद तक अच्छा होता है और 3 ईयर की ड्यूरेशन भी है। बट इन कोर्सेज को करके आपके आगे डॉक्टर नहीं लगेगा, आप डॉक्टर नहीं बन पाएंगे, आप लेबोरेटरी खोल लेंगे। आपको किसी डॉक्टर के बेसिस पे ही अपना हॉस्पिटल चलाना पड़ेगा, आपको किसी डॉक्टर की हेल्प लेनी पड़ेगी, तब आप ही अपना जो आप हॉस्पिटल वगैरह चला पाएंगे आगे। नेक्स्ट कोर्स है BPharma, डिप्लोमा इन फार्मेसी। इस तरह से होता है BPharma, उस तरह से ये डिप्लोमा है फार्मेसी का। इसको करके भी आप सुपरवाइजर फार्मासिस्ट वगैरह की पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं, मेडिकल पर भी रह सकते हैं, मेडिकल अपना खोल भी सकते हैं। ये भी अच्छा कोर्स है। एंड थर्ड इज DMLT,
इस तरह से बी मल्टी बैचलर है मेडिकल लेबोरेटरी का, उसी तरह से डिप्लोमा है मेडिकल लेबोरेटरी का। ये डिप्लोमा कोर्स है, इसकी ड्यूरेशन होती है 2 ईयर्स की, बाकी बी एम एल टी की होती है 2 ईयर्स की। ये भी एक लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी का कोर्स है, आप इसको करके भी पैथोलॉजी वगैरह सीखते हैं, बट ये डिप्लोमा है वो डिग्री है, दोनों में इतना ही डिफरेंस है। सो फ्रेंड्स, जो पॉपुलर कोर्स हैं मैंने आपको उनके बारे में जानकारी दे दी है, मोस्ट कोर्स यही है जो मोस्ट स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं। सो फ्रेंड, कैसी लगी वीडियो, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और मेरी वीडियो को लाइक भी करें। और आप यदि मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि नई वीडियो सबसे पहले आपको मिली, और अपने फ्रेंड से मेरी वीडियो को शेयर भी करें, और नई नई जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल पे हमसे ऐसे ही जुड़े रहें। फ्रेंड्स, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।